स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। जैसा कि आपको पता होगा कि अप्रैल सेशन में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के बारे में कुछ डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट, ये पीडीएफ केवल हमने भेजा था, इसका वीडियो आपको नहीं मिला था। तो आज ये चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, और इसको पढ़ने के लिए आपको किन बातों की सबसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 3A RS अग्रवाल की बुक से ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पेज नंबर 42 पर ये नई बुक में आपको मिल जाएगी। हो सकता है कि आपकी अगर पुरानी बुक होगी तो उसमें ओल्ड बुक में एक आध पेज आगे या पीछे भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। कह रहा है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके ये बताइए कि क्या ये दिए गए जो नंबर्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 8 नंबर्स आपको दिए गए हैं, और आपको बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए आपको पता है कि अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन में जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो पेयर फॉर्म में होने चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर लेंगे, ये फर्स्ट नंबर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 441। तो यहाँ पे हमने ले लिया 441, और आइए इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 441 ये हमने ले लिया, और परफेक्ट स्क्वायर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। कह रहा है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी बोला जा सकता है जब हम उसको सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन, पेयर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम लिख सकें। जैसे यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे हमने 441 ले लिया, अब इसको हमने जब फैक्टराइज़ किया तो ये 49 × 9 हो गया, और 49 को आप जानते हो स्टूडेंट्स की 7 × 7 राइट कर सकते हैं, एंड 9 को आप राइट कर सकते हो 3 × 3। इसका मतलब 441 को अगर आप टोटली राइट करना चाहो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो है इसको हम लोग इस तरीके से राइट कर सकते हैं, 7 × 7 × 3 × 3। इसका मतलब ये हुआ कि सेम नंबर देखिए पेयर फॉर्म में आ रहा है इसके फैक्टर में, मतलब 7 भी 2 बार आया और 3 भी 2 बार आया, तो 7 का एक पेयर बन गया और 3 का एक पेयर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 का 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 7 का इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 7 × 3 = 21 और ये 7 × 3 = 21, यानी इसको हम लोग 21 × 21 भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, इस 3 को इस 7 के साथ ले लिया, इस 3 को ये वाले 7 के साथ ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हमने इस तरीके से राइट किया, 7 × 3 = 21, तो ये पहला 21 आ गया, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये सेकेंड 21 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 21 × 21, एंड देन दिस होल वैल्यू मे बी राइट डाउन एज 21 का होल स्क्वायर। और जब 21 का होल स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आप देख रहे हैं कि 41 को हम लोगों ने 21 के होल स्क्वायर फॉर्म में राइट कर दिया। इसका मतलब 441 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर को अगर परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है तो आपको पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको उसको एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है। अगर उसके सभी फैक्टर्स पेयर फॉर्म में आ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर उसके सभी नंबर फैक्टर्स पेयर फॉर्म में आ रहे हैं तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। तो आइए देखिए, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको दिखाया था, ये आपका सेकंड नंबर हम लोग लेते हैं 576। तो 576 यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमने ले लिया। तो यहाँ पे आपको बताना है, अ परफेक्ट स्क्वायर कैन ऑलवेज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। तो यही ऊपर वाला डिफिनीशन है, और इसी डिफिनीशन को अगर हम फॉलो कर लेंगे तो ये 576 भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 576 को, ये 576 को अगर फैक्टराइज करोगे तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने 64 × 9 के फॉर्म में लिखा। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि क्लास 7 में आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा,
तो डिविजिबिलिटी रूल में आप लोगों ने मतलब कि इसको फैक्टराइज करने के प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड्स पढ़े होंगे। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 4 से, देन 5 से, देन 6 से, एंड सो ऑन, इस तरीके से करते जाते हैं। तो वो एक तरीका है, बट ये आपको मैं थोड़ा सा ईजीयर वे में बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 576 को आप चाहें तो 64 × 9 राइट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 64 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 64 को 2 टाइम्स हम 8 मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड 9 को हम लोग 2 टाइम्स 3 के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो द वैल्यू 64 × 9 मे बी राइट डाउन एज इन टू द फॉर्म ऑफ 8 × 8 × 3 × 3। इसका मतलब 8 यहाँ पे देखिए पेयर फॉर्म में आया और 3 भी यहाँ पे पेयर फॉर्म में आया, तो इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये किसका स्क्वायर है, मतलब आपसे पूछेगा कि ये जो आपका 576 है ये किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक पेयर आपको बना, ये दूसरा पेयर आपको बना, तो हम एक काम करते हैं इसको एडजस्ट करते हैं। एक काम करते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला 8 है इसको हम लोगों ने इस वाले 3 के साथ ले लिया, और ये सेकेंड वाला जो 8 है इसको हमने इस वाले 3 के साथ ले लिया। तो ये देखिए इस तरीके से एडजस्ट हो गया, और एडजस्ट करने के बाद 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट पेयर है ये फर्स्ट 24 आ गया, एंड सेकेंड पेयर इज़ सेकेंड 24। तो 24 × 24 इज़ राइट डाउन एज 25 24 होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 576 24 का स्क्वायर करने पे हमको मिलेगा, इसका मतलब 576 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो हियर द राइट डाउन एज 576 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ अगेन स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये एक नंबर आपको दिया गया है 11025, और इसको आपको चेक करके बताना है कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी करना है। अब परफेक्ट स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर, ठीक है, आपको एक इक्वल फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको राइट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे 11025, मतलब 11025 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आप इसको राइट कर सकते हो 441। अब देखिए ये तो मैं तो जान जा रहा हूँ कि ये कैसे मिला, लेकिन आपको करने के लिए सबसे पहले इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा, और डिविजिबिलिटी रूल से आप ये चेक करेंगे। पहले 2 से डिवाइड कीजिए जितनी बार जाए, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम इसको चाहें तो इस तरीके से राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये आपकी राइट कर दी गई यहाँ पे 441 × 25, एंड देन 441 को अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 49 × 9, ठीक है, 49 × 9, और ये 25 यहाँ पे है, यहाँ पे भी इसको राइट लिखना चाहिए था, ये मैं पीपीटी बनाते वक्त भूल गया था। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो ये 25 को जब आप राइट करोगे तो 2 टाइम्स लिख सकते हो, और ये 9 को देखिए 2 टाइम्स 3 लिख सकते हैं, ये 49 को हम लोग 2 टाइम्स 7 लिख सकते हैं। मतलब 7 का पेयर एक अलग बन गया, फिर इधर 3 का पेयर एक अलग बन गया, फिर इधर 5 का पेयर एक अलग बन गया, मतलब 3 पेयर्स आपको दिख रहे हैं। तो सभी फैक्टर इसके पेयर फॉर्म में आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स कि ये किसका पेयर है, तो एक काम करेंगे फर्स्ट 7, फर्स्ट 3 और फर्स्ट 5, ये एक पेयर बन जाएगा, और दूसरा फिर सेकेंड 7, सेकेंड 3 और फिर उसके बाद सेकेंड 5, एक पेयर ये बन जाएगा। तो 7 × 3 × 5 यहाँ पे हमने लिखा, ये बन गया। फिर उसके बाद जब सेकेंड को लेंगे 7 × 3 × 5, तो जब इसको लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा। तो देखिए एक यह बना 7 × 3 × 5, और दूसरा यहाँ पे बना 7 × 3 × 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जब आपने इसको राइट किया तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा, और इन तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 105 आ जाएगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 105 आ जाएगा, और
उस कंडीशन में ये आप देख रहे हैं टू टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, तो 105 इंटू 105 105 इंटू 105, इसका मतलब 105 के होल स्क्वायर करने पर ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो वन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और किसका स्क्वायर है, 105 का, ठीक है। इसीलिए अब इसी तरीके से हम लोग थर्ड वाला भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो थर्ड वाले को यहाँ पे देखेंगे 1176, और स्टूडेंट्स यहाँ पे इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर्थ नंबर हमारे पास है 1176, और आपको बताना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आप जानते हो 1176 को हम लोग राइट कर सकते हैं 7 इंटू 168। अब 7 का और भी ज़्यादा डिकम्पोजिशन तो हो नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, 168 को और डिकम्पोज करेंगे। तो यहाँ पे 168 को हम लोग राइट कर सकते हैं 21 इंटू 8, और ये जो 7 है ये ऑलरेडी एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 21 इंटू 8, और 21 का फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 7 इंटू 3, और ये देखिए ये जो ऑलरेडी 8 है ये हमको 3 टाइम्स 2 के फॉर्म में मिल जाएगा, और ये 7 एज इट इज़ यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आपको इस फॉर्म में मिल जाएगी, 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। लेकिन क्या आप देखिए यहाँ 7 तो पेयर के फॉर्म में है, लेकिन क्या 3 पेयर के फॉर्म में है, नहीं है। और 2 को देखिए, दो मतलब 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है, एक पेयर तो बन रहा है लेकिन दूसरे का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब कि अगर आपने 776 का फैक्टराइजेशन किया तो फैक्टराइजेशन करने पर इसके सभी फैक्टर्स का पेयर नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है 1176 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे इसी तरीके से आप देखिए, इसी तरीके से आपको 5625 को भी फैक्टराइज करना है। तो डिविजिबिलिटी रूल लगा करके जब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया यहाँ पे, तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये भी आप देख रहे हैं कि 5625 को हम लोगों ने राइट किया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, 3 का ये देखिए, एक 3 यहाँ है, दूसरा 3 यहाँ है, इसका तो पेयर बन रहा है, 5 का भी पेयर बन रहा है यहाँ पे, और इस 5 का भी पेयर बन रहा है, मतलब इसके जितने भी फैक्टर है सबका पेयर बन रहा है। और अगर हम देखें तो इन तीनों का अगर एक साथ मल्टीप्लाई कर दें और इन तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देख रहे हैं 2 टाइम्स 5 और 1 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 5 और 1 टाइम्स 3, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर दो बार हमको मिल जाएगा 75 इंटू 75, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 75 होल स्क्वायर। इसका मतलब 75 इज़ द नंबर हुज स्क्वायर इज़ 5625, मतलब 5625 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 75 का, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 9075 है, तो 9075 को अगर आप राइट करना चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप इसको, अ नंबर, वही डिफिनीशन जो पहले से आप लिखते आ रहे हो वही डिफिनीशन है। अब आपको इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में डिकम्पोज करना है। प्राइम का मतलब ही होता है कि ऐसे नंबर्स जो खुद से या वन के अलावा दूसरे किसी नंबर से कैंसिल ना हो उनको प्राइम कहते हैं। तो अभी जब आपने इसको 9075 को इस फॉर्म में लिखा तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका नहीं है, ये केवल इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। प्राइम फैक्टराइजेशन तब होगा जब ये जो नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं ये किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो। जैसा कि आप जानते हैं 25 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये अभी और छोटा होगा,
इसको और ज़्यादा डिकम्पोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 25 को हमने क्या किया, 25 को यहाँ पे एज इट इज़ रखा, लेकिन 361 को हम लोगों ने यहाँ पे राइट कर दिया 121 मल्टीप्लाई 3। अगेन 5 को यहाँ पे हम लोगों ने डिकम्पोज किया ये 5 × 5 में, और 121 को राइट किया हमने 11 × 11 में, और ये 3 हमारा एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। तो कुल मिला के ये हमारा हो गया 5 × 5 × 11 × 11 × 3। अब आप देख रहे हो 5 × 5 पेयर में है, 11 भी पेयर में है, लेकिन क्या 3 पेयर में है? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दो नंबर्स के पेयर तो बन गए, लेकिन जो थर्ड नंबर है उसका पेयर नहीं बना। तो हम ये कह सकते हैं कि 1176 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो नंबर के, दो सेम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ये नहीं लिखा जा सका। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे 7th नंबर को देखते हैं, 4225। 4225 को राइट करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो, अ परफेक्ट स्क्वायर कैन ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट, वही जो डिफिनेशन आपने पढ़ा था फिर से वही आ गया। तो ये डिफिनेशन केवल आपको वन टाइम लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल आपको एक बार लिख देना है बस। अब आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप इसको देखिए इस फॉर्म में राइट कर सकते हो, ठीक है, 25 × 169। अब 25 को और भी आप डिकम्पोज कर सकते हो, तो 25 को हमने डिकम्पोज किया तो ये मिल गया हमको 5 × 5, और 169 को हमने डिकम्पोज किया तो ये मिल गया 13 × 13, मतलब 5 भी पेयर में 13 भी पेयर में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब किसका है ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक 5 को एक 13 के साथ ले लेंगे, फिर नेक्स्ट 5 को नेक्स्ट 13 के साथ ले लेंगे। तो पहला हमारा पेयर बनेगा 5 × 13, ये बन गया, और इसी तरीके से सेकंड वाले 5 को, इस तरीके से जब आप सेकंड वाले 5 को यहाँ पे, ये सेकंड वाला 5 है, इसको सेकंड वाले 13 के साथ लेंगे तो ये 5 × 13 नेक्स्ट पेयर बनेगा। तो यहाँ पे ये 5 × 13 = 65, 5 × 13 = 65, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 65 × 65, 65 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आप देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट का लास्ट 1089, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है यही आपको पता लगाना है। तो यहाँ पे अगर इसको आप फैक्टराइज करोगे तो ये देखिए 1089 को हम लोग क्या करेंगे, पहले 9 × 121 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब देखो 9 को आपको फैक्टराइज करके और डिकम्पोज कर लेना है तो 3 × 3 हो जाएगा, और 121 को आप चाहें तो 11 × 11 लिख दीजिए। तो देखिए 3 भी पेयर फॉर्म में है, 11 भी पेयर फॉर्म में है, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। और कितने का परफेक्ट स्क्वायर है ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि ये जो 3 है इस 3 को एक 11 के साथ ले लेंगे, और ये वाला जो 3 है इसको इस 11 के साथ ले लेंगे। तो 3 × 11 ये फर्स्ट पेयर बना, फिर उसके बाद 3 × 11 यहाँ पे ये सेकेंड पेयर बना, 11 × 3 = 33, 11 × 3 = 33, मतलब इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 33 × 33, तो ये 33 raised to the power 2 हो गया। इसका मतलब 1089 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और कितने का ये परफेक्ट स्क्वायर है, 33 का, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताना है, सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज़ द गिवन नंबर। कह रहा है कि आप ये दिखाइए कि ये दिए गए नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, और किस नंबर की ये स्क्वायर हैं वो नंबर भी आपको बताना है। तो जैसा कि अभी हमने इसके पहले किया था, सेम प्रोसेस इसमें भी आपको करना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है, तो हमने क्या किया, 1225 को क्या राइट किया यहाँ पे, 25 × 49। अब आप देखिए स्टूडेंट्स 25 को यहाँ पे आप राइट कर सकते हो 5 × 5, और 49 को राइट कर सकते हो 7 × 7। तो
तो आप देख रहे हो कि 5 × 5 ये एक पेयर बन गया, ठीक है, 5 × 5 एक पेयर बन गया, 7 × 7 ये एक पेयर बन गया, एक सेम नंबर के, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर तो है, ये क्लियर हो गया। लेकिन कितने का है, इसको करने के लिए ये 5 इस 7 के साथ जाएगा और ये 5 इस वाले 7 के साथ जाएगा, तो 5 × 7 कितना हो जाएगा, 35, ठीक है, फिर 5 × 7 कितना हो जाएगा, 35, तो 35 × 35 ये 2 टाइम्स आ गया, तो 35 का होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब 35 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 1225 आ जाएगा, ठीक। तो सिमिलर प्रोसेस से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, 2016 ये आपका सेकंड नंबर है, और यहाँ पे अगर आप 2601 इसको अगर आप राइट करना चाहो तो आप इसको राइट कर सकते हो 9 × 289, ठीक है, और 9 को आप यहाँ पे रिसॉल्व करके ये 3 × 3 राइट कर सकते हो, और 289 को आप लोग यहाँ पे 17 × 17, तो आप देखिए 3 भी यहाँ पे पेयर के फॉर्म में आया है, 17 भी यहाँ पे पेयर के फॉर्म में आया है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो आपका 3 है, ये फर्स्ट 3 फर्स्ट 17 के साथ, सेकंड 3 सेकंड 17 के साथ, तो यहाँ पे पहला जो पेयर बनेगा ये इन दोनों का बन जाएगा, और दूसरा जो पेयर बनेगा वो इन दोनों का बन जाएगा, तो 3 × 17 3 × 17, तो ये हो जाएगा 51 × 51, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 51 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2601 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और किसका स्क्वायर है ये, 51 का, ठीक है, तो ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब आइए यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 5929, सिमिलर प्रोसेस करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप 5929 को राइट कर सकते हो 5929 को अगर आप राइट करना चाहो तो 11 × 539 के फॉर्म में राइट कर सकते हो, और 11 का तो आप इससे ज़्यादा डिकम्पोज हो नहीं सकता, लेकिन 539 को अगर हम डिकम्पोज करना चाहें तो इसको हम लोग इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 539 को हम लोग राइट कर सकते हैं 7 × 77। अब 77 को हम और भी ज़्यादा स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 7 × 11, तो या सिंपली आप ऐसे ही रहने दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा 77, ये 77, तो सेम नंबर के पेयर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ये लिख दिया गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और देखो 77 × 77 सेम नंबर के पेयर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, और कितने का है, 77 का, ठीक है, तो इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे राइट कर दिया गया। और इसी तरीके से आप फोर्थ क्वेश्चन में भी देख सकते हो, 7056 है, 7056 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप राइट कर सकते हो 11 × 539। अब 11 तो वैसे ही रहेगा, 539 11 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जब आप इसको और भी ज़्यादा रिसॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से 12 × 7 × 84, 12 को हम लोग और भी मल्टीप्लाई करके 7 के 7 से, तो यहाँ पे 84 और इंटू 84, 84 का स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 7056। इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके आगे के जितने भी ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सभी सिमिलर हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आपका, फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 8281, इसको भी आपने फैक्टराइज़ किया तो 49 × 169। अब 49 को 7 × 7 और 169 को 13 × 13, अब इस 7 को इस 13 के साथ लीजिए और इस 7 को इस 13 के साथ लीजिए, तो 7 × 13 7 × 13, तो ये हो जाएगा कितना, 91 के स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लोग राइट कर सकते हैं। हेंस 91 इज़ द नंबर हुज स्क्वायर इज़ 8281, तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कह रहा है कि इन नंबर्स में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट नंबर हो जाए, एट व्हाट लीस्ट नंबर। तो सबसे पहले आपको इसका फैक्टराइजेशन करना होगा और देखना पड़ेगा कि किस नंबर का पेयर इसके फैक्टर में नहीं बन पा रहा है। तो आइए करके देखते हैं। यही था क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इसको रिसॉल्व किया फैक्टराइजेशन फॉर्म में, तो ये हो गया 3 × 5 × 5 × 7 × 7। ये फैक्टराइजेशन आपने कर लिया। देखिए, 5 का भी पेयर बन रहा है, 7 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक 3 और होना चाहिए था। तो कितने 3 से मल्टीप्लाई कर दें कि ये 3 पेयर फॉर्म में हो जाए, सिंगल 3। इसका मतलब ये हुआ कि एक 3 से अगर हम इसमें और मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे ये पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है। यहाँ पे 3 के पावर में 2 होना चाहिए था यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 3 होना चाहिए था। बहरहाल, अब आप देखिए इसको अगर 3 के पावर में अगर यहाँ पे हम लोग 2 राइट कर दें, 3 के पावर में 2 अगर यहाँ पे होता तो ये 3 3 9 हो जाता, 5 5 25 और 4 4 4 9 सॉरी 7 7 49। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें तो हर एक पावर वाली वैल्यू में से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर है तो सिंगल 3, और 5 का स्क्वायर है तो 5, और 7 का स्क्वायर है तो 7। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो 105 का होल स्क्वायर। कह रहा है हेयर्स न्यू नंबर इज स्क्वायर ऑफ, तो कह रहा है कि मतलब यहाँ पे कितने से आपने मल्टीप्लाई किया कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 3 से। और कह रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर बना उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो उसका स्क्वायर रूट होगा 105। ठीक है, ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड का ये सेकंड हम लोग देख रहे हैं, 2156। आपको बताना है कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और जो नया नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज़ करना है। तो फैक्टराइज़ करेंगे तो ये मिल गया 2 × 2 × 7 × 7 × 11। यहाँ पे देखिए, 2 का भी पेयर बना, 7 का भी पेयर बना, बट 11 का पेयर नहीं बना है। जब 11 का पेयर नहीं बना है तो पहले हम क्या करेंगे, 11 का पेयर यहाँ पे बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ एक 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी नंबर्स का पेयर बन जाएगा, और जो नया नंबर बनेगा वो देखिए 2 × 2 करेंगे तो 4, 9 7 × 7 करेंगे तो 49, 11 × 11 करेंगे तो 121। इसका मतलब इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 7 का स्क्वायर, 121 को राइट कर सकते हैं 11 का स्क्वायर। तो अब अगर इसका स्क्वायर रूट लेना है, आपको बताना है कि जो नया नंबर बना उसका कितने का स्क्वायर है वो, तो सब में से एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, बिना स्क्वायर के ही यहाँ पे हमने राइट कर दिया, या ये पावर को सबको एक साथ ऊपर हमने राइट कर दिया। आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो ये 154 का होल स्क्वायर हो गया। मतलब जो नया नंबर मिलेगा वो कितने का स्क्वायर होगा, 154 का, कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद, 11 से। इसी तरीके से अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे है 3332। इसको भी आप क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज़ करेंगे, पेयर देखेंगे। पेयर यहाँ पे केवल 17 का नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसमें केवल एक 17 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने एक 17 से और मल्टीप्लाई किया तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से कंडीशन बन जाएगा। जब आप ये देखेंगे तो यहाँ पे 2 का भी पेयर बन जाएगा, 7 का भी पेयर बन जाएगा, और 17 का भी पेयर बन जाएगा। तो 2 2 जा 4, 7 7 जा 49, और ये 17 × 17 करेंगे तो 289। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी
पावर 2 के फॉर्म में लिख दिए गए। इसका मतलब यह हुआ कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए इसमें 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो नया नंबर बनेगा वो कितने का स्क्वायर होगा, 238 का। दैट्स ऑल स्टूडेंट, अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और आप ये टोटल इसके कुछ और भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ और उनको होमवर्क में आप नोट कर लीजिए और अपने से करिएगा। जैसे यहाँ पे 2925 है, 45, ये सभी क्वेश्चन करिएगा। और हाँ, आपको ये सभी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा या हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी किया कीजिए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो वहाँ पे अपलोड किया जाए वो आपके यूज़फुल है और आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, वो आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू।